now the, the next topic is the process benchmarking now basically uh, what is benchmarking benchmarking is basically you define x standard and then you implement a process and you get some results and then you compare your results with x standard and then you see how much you have complied with the process this is what we call बेंच मार्किंग मतलब इसका यह है कि जब भी हम कोई प्रोसेस बनाएंगे स्टेब्लिश करेंगे तो उसको आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी जिस भी पर्पस के लिए आपने उस प्रोसेस को बनाया है आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे जैसे मैंने कहा कि प्रोसेस इट्स नॉट एन ओवरनाइट गेम इट नीड इट नीड सम अ गुड अमाउंट ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम हायर मैनेजमेंट रीजन इट इज कॉस्टिंग जो जिस भी टीम ने अ प्रोसेस क्रिएट करना है यू आर पेइंग इट तो उसका कोई रिजल्ट आपको इन द फॉर्म ऑफ अ क्लाइंट नहीं आना यानी अ क्लाइंट ने आपको उसके अगेंस्ट कोई फाइनेंशियल uh, uh, उसको मतलब बेसिकली आपको फाइनेंशियली कंपनसेट नहीं करना उसके बेसिकली लॉन्ग टर्म आपके इम्पैक्ट आने हैं तो जब भी आपके पास uh, जो प्रोसेस है आपने बनाया है उसको आपने जब इवेल्युएट किया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन टेंजेबल रिजल्ट ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन गोल्स जब आप आप किसी भी प्रोसेस को स्टेब्लिश करते हैं तो आप उस प्रोसेस को इवेल्युएट करते हैं जब आप आप किसी भी प्रोसेस को इवेल्युएट करते हैं तो देर इज नो टर्मिनोलॉजी सच एज गुड और बैड प्रोसेस यानी मैं अपनी गड फीलिंग के बेसिस के ऊपर यह नहीं कह सकता कि यह अच्छा प्रोसेस है ये बुरा प्रोसेस है ऐसी चीज को एग्जिस्ट नहीं करती रीजन जब तक आप स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं करेंगे यू कैन नॉट द The tangible results. Tangible is quantifiable results. And when I say quantifiable results, it's I need to support the quality of my process with the data associated with it. Matlab. Transparency is just a claim. Fine. How I will how I will, I have to or how I will prove my claim. For to prove the claim, I need some data. वेन ए टॉक अबाउट डेटा डेटा से मुराद है कि आप ये बताएंगे कि कितने प्रोजेक्ट के किन फेज के ऊपर यह प्रोसेस अप्लाई हुआ और जो भी गोल था प्रोसेस बनाने का मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी प्रोसेस बनाने का गोल था वो इन टर्म्स ऑफ स्टार्ट के कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई हुआ कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के इसको, इसको फॉलो किया कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ने इसको फॉलो नहीं किया कहां पे डेविएशन आई किन स्टेप्स में डेविएशन आई प्रोसेस के एंड सो ऑन तो पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू स्टैब्लिश के देर इज नो डायरेक्ट और देर इज नो ब्लैंकेट गुड प्रोजेक्ट और ब्लैंकेट बैड प्रोसेस ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको बेसिकली प्रोजेक्ट को बेंच करना है या प्रोसेस को बेंच करना है यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यानी प्रोसेस का जो डेटा आता है वो एक्चुअली प्रोजेक्ट से आता है प्रोसेस का डेटा प्रोसेस से नहीं आया करता यानी जो प्रोसेस है तो बेसिकली और कितने हद तक फॉलो नहीं हुआ ये बेसिकली आपको प्रोजेक्ट का डेटा या प्रोडक्ट का डाटा बताएगा इन टर्म्स ऑफ स्टैट एंड देन यू विल कंपेयर दैट डेटा स्टैंडर्डाइज्ड डेटा यानी इसको हमने बेंच मार्क किया हुआ यानी स्टैंडर्ड जो एक्चुअल गोल हमने डिफाइन किया था इन द बिगनिंग कि वी वांट टू गो टू एक्स एंड विद द हेल्प ऑफ डेटा वी विल सी टू वेदर वी हैव अचीव्ड एक्स और वी आर एट एक्स माइनस टेन और एक्स माइनस फाइव और एक्स माइनस ट्वेंटी फॉर एग्जाम्पल कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप आपने एक्स पूरे के पूरे अचीव कर ले इट डजेंट वर्क लाइक दैट आप यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मच क्लोजर यू आर टूवर्ड एक्स एंड एक्स इज योर बेंच मार्क वैल्यू जिस या डिजायरेबल वैल्यू है जिसको आप एक्चुअली अचीव करना चाहते हैं सो द मोर क्लोज यू आर अ टूअर्ड द वैल्यू ऑफ एक्स द मोर गुड यू आर यानी प्रोसेस को बेसिकली आपने किसी प्रीडिफाइंड मैट्रिक के अगेंस्ट इवेल्युएट करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हर ऑर्गेनाइजेशन हर प्रोसेस का जो भी बेंच मार्किंग का क्राइटेरिया है ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि देर इज नो ग्लोबली डिफाइंड बेंचमार्क फॉर अ प्रोसेस स्टेप्स यानी गाइडलाइंस मौजूद हैं लेकिन जो स्पेसिफिक्स ऑफ अ प्रोसेस है वो ऑब्वियसली वेरी करता है फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू एनदर ऑर्गेनाइजेशन